नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, यह है कलयुग। कलयुग में आप देखना जो राहु के लक्षण है वो बहुत ज्यादा प्रमाण में देखने के लिए मिलते हैं। व्यक्ति बहुत जल्दी कुसंगत पर चढ़ जाता है। गलत संगत आदमी को बर्बाद कर देती है। कई जगह देखना दोस्तों, जिनके पास धन दौलत ज्यादा है उनके बहुत सारे गुलाम आ जाते हैं। गुलामों की संख्या उनके पास बहुत होती है और ये वही गुलाम होते हैं जो आपसे तरह तरह का पाप करवा देते हैं। जो कर्म वो नहीं कर पाते हैं वो आपसे करवा देते हैं। व्यक्ति पैसे की प्रतिष्ठा की शान में गलत कर्म कर देता है और एक ऊंचे ओहदे से अगला जन्म उसका भिखारियों जैसा हो जाता है, क्योंकि फिर उसको अपने पापों का भुगतान करना। तो संगत हमेशा अच्छे लोगों की करें। मैं हमेशा अपनी वीडियो में सुनाती रहती हूँ कि जो संगत करे महान की, जो करत धरत बन जाए तो सिर पर चढ़े गणेश के और सम्मुख गंग नहाए। गंदगी में रहने वाला एक कीड़ा था दोस्तों, उसने भंवरे से दोस्ती कर ली, बराबर। एक दिन भंवरे ने उसको कहा संध्या समय चलो मैं तुम्हें गार्डन में ले चलता हूँ, बगीचे में, क्योंकि भंवरा फूलों में रहता है। गंदगी का कीड़ा गंदी जगह पर रहता था, लेकिन भंवरे की संगत की वजह से वो बगीचे में गया, फूलों पर बैठ गया, फूलों का रस चूसने लगा। संजोग वसात संध्या समय था, फूल बंद हो गया, क्योंकि फूल संध्या समय बंद होते हैं। सुबह उसकी किस्मत खुल गई कीड़े की। माली आया, उसने वही पुष्प तोड़ा जिसमें भंवरा और कीड़ा दोनों बैठे हुए थे। उसने वो पुष्प को लिया, ले जाकर के गणपति जी को चढ़ा दिया, सम्मुख चढ़े गणेश के और ऊपर से गंगा जल की धार कर दी। तो सम्मुख चढ़े गणेश के और सम्मुख गंगा नहाए, है ना। उस भंवरे की वजह से उस गंदगी में रहने वाला कीड़ा भी भगवान के चरणों में चढ़ गया और गंगा जल से उसका अभिषेक हो गया। सोचो, अच्छे की संगत इतना ऊपर उठा सकती है तो बुरे की संगत हमको कहां ले जाएगी? फूल से गंदगी में, जैसे गंदगी से वो फूलों में आ गया था, है ना। राहु यदि आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपकी संगत गलत ही होगी। जो भी आपको मिलेगा वो व्यक्ति आपको कहीं नशे के लत सिखाएगा, कहीं आपको बोलेगा ये खरीदो वो खरीदो, ये करो वो करो, बिना मतलब का ढोंग दिखावा जो आपकी जिंदगी नहीं है, बिना मतलब का अहंकार, आपकी वाणी के ऊपर से शिष्टाचार बिल्कुल चला जाएगा। किसी की भी बेइज्जती करने में आपको लगेगा मैं तो हीरो हो गया। तमाम वो कर्म जिसको देख करके इंसान को घिन आ जाए ऐसे हो जाते हैं। और बिल्कुल इससे उल्टा दोस्तों, यदि राहु प्रसन्न हो गए तो कलयुग में आप राजा जैसे जीते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने के लिए जा रही हूं। बुधवार के दिन, शनिवार या रविवार, कोई भी आप एक दिन सिलेक्ट कर ले, घर के नैऋत्य कोने में 4 अगरबत्ती चंदन की जरूर जलाएं। इस कोने में जब भी आपको समय मिलता है थोड़ा सा कोयला जरूर जला दें, ताकि वहां धुआं होता रहे। इससे केतु भी प्रसन्न हो जाते हैं। राहु केतु दोनों प्रसन्न हो गए तो आपकी बल्ले बल्ले है, है ना। जो घर का नैऋत्य कोना है दोस्तों, इसमें से इन तीनों वारों में से कोई भी एक वार को आप अष्ट धातु का एक टुकड़ा सोने के यहाँ से, सुनार के यहाँ से ले आए, या अष्ट धातु की कोई अंगूठी बनवा करके आप ले आए सुनार के यहाँ से, और घर के इस कोने में इस चीज को रख दे। कोई मूर्ति हो आपके घर में अष्ट धातु की बनी हुई, उससे रख दे बस। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, नथिंग एट ऑल। घर के नैऋत्य कोने में राहु का वास है। अष्ट धातु राहु की प्रिय धातु है। राहु से जुड़ी हुई चीज यदि आप नैऋत्य कोने में रखना शुरू कर देते हैं, समझिए आपके दिन बदल गए। पैसे आपके घर में बहाने मार मार कर आना शुरू हो जाएगी, बुरी संगत छूट जाएगी, नशे की लत दूर हो जाएगी। करके देखिए सुबह को, और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। उपायों को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।